हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 6:30। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि आज थोड़ा काम है मेरे को, बाबूजी के लेके हॉस्पिटल जाना है। एक कुत्ते जो काम काट लिया था तो उसका इंजेक्शन लगवाने, तो उससे पहले हम लोग चलिए तालाब में थोड़ा खाना डाल देते हैं मछलियों के लिए, और फिर चलते हैं बाबूजी को लेके हॉस्पिटल। उसके बाद हम चलेंगे बैंक में, क्योंकि बैंक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि पिछले साल मैंने एक लोन किया था बैंक से और उसका रिन्यूअल डेट क्रॉस कर चुका है। चलिए जाते हैं बैंक में, देखते हैं क्या हाल है। चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं बाबूजी को लेके हॉस्पिटल और बैंक में भी चलते हैं। अभी हम डालेंगे सारा मछलियों को, देखिए गेलू सो रहा है। पापा उठो 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 उठो, पापा बांती हो बनो ले, उठो दांत घसी खाइबा आगे, चलो आसो आसो आसो। गेलू सो रहा है। यहाँ पे मम्मी जी चाय पी के आ रहा है, बाहर बैठ के चाय पी रहे थे। ये रहे दादी। गेलू यहाँ पे खाना खा रहा है, ब्रेकफास्ट। ऐसे जोर से भूख लगी है इसलिए उसके लिए मम्मी ने खाने ले लिया है। सलाद्स गेलू के लिए बनेगी मसाला मैगी। ये देखिए मैगी के लिए प्याज और मैगी मैंने सारा रेडी कर लिया है, बस बनाना है। चलिए बनाते हैं। फाइनली मैगी बन के रेडी हो चुकी है, चलिए खिलाते हैं गेलू को। फाइनली मेरा घर का काम खत्म हो चुका है और अभी मुझे चलना है बैंक के लिए। चलिए हम चलते हैं बैंक, देखते हैं बैंक में क्या हाल है, पूरा लोन का कंडीशन क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं। फाइनली मैं बैंक के लिए निकल चुका हूँ और अभी रास्ते पे हूँ, देखते हैं बैंक में क्या प्रॉब्लम हुई है। और कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि लोन क्लियर करने के लिए, और शायद था और इनको नहीं किया इसलिए वो मैसेज आया था। देखते हैं बैंक में, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। और मुझे लगता है कि फाइन पड़ जाएगा, क्योंकि जब लोन का ड्यू क्रॉस होता है तो फाइन तो लगता है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था हर महीना मैंने इंटरेस्ट भरा था। और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जिस टाइम मैंने
लोन लिया था उस पर मैनेजर ने बोला था कि एक साल के अंदर और एक बार लोन को रिन्यूअल करवाना है, लेकिन मैं थोड़ा बाहर था इसलिए रिन्यूअल नहीं कर पाया। शायद 20 दिन क्रॉस कर गया, तो चलते हैं बैंक में, देखते हैं बैंक में अगर बोलते हैं तो आज रिन्यू करवा देंगे। बैंक पहुंचने के बाद पता चलेगा क्या हाल है। चलिए चलते हैं। फाइनली मैं बैंक में पहुंच चुका हूँ। ये देखिए हमारा ब्रांच इको बैंक, यहाँ पे मैंने गोल्ड लोन किया था, बस मैं पहुंच चुका हूँ। और गोल्ड लोन का जो ऑफिसर है वो नहीं आया अभी तक। मैनेजर मैडम ने बोला कि थोड़ा देर इंतज़ार करो, वो आ जाने के बाद थोड़ा पेपर साइन करवाना है, तो ठीक है वेट करते हैं। मैं बैंक से आके सो गया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट में आया और गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और गाड़ी दिखा के आते आते मेरे को 3 बज गए, तो मैं थोड़ा सो गया था। अभी थोड़ा जाना है मेडिसिन स्टोर जाना है, ये हमारा घर के पास। भाभी जी को तबीयत खराब होने लग रहा है और उनको भी थोड़ा बुखार आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा चलता हूँ मेडिसिन लाने के लिए, भाभी जी के लिए थोड़ा मेडिसिन लाएंगे। चलिए चलते हैं, अभी भाभी जी का तबीयत खराब हो रहा है, उनको भी बुखार आ गया। बैंक से आते आते मेरे को थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम है कि मेरा डीएल कहीं पे खो गया। ढूंढते ढूंढते मैं 2-4 चक्कर लगाया, फिर भी नहीं मिली। घर में आके बहुत ज़्यादा ढूंढी, फिर भी नहीं मिला। देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं और हमारा जो उड़ीसा में जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं, अगर हो सकता है तो बना लेंगे, नहीं तो कल जाएंगे हम आरटीओ ऑफिस जाएंगे, जाके नया बनाना पड़ेगा। नया नहीं, वो वाला तो है हमारा नाम पे, और कुछ एप्लीकेशन वगैरह देके फिर से अप्लाई करेंगे। चलिए अभी चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जो हमारा घर से 2-3 किलोमीटर के अंदर है। चलिए अभी निकलते हैं, देखते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस बना पता है कि नहीं, अगर बना लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा आरटीओ। चलिए निकलते हैं। चलिए अभी चलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, चलिए कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस से हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा धरपकड़ हो रहा है। अगर बाइक लेके जाते हो तो लाइसेंस और हेलमेट जरूरी होता है। तो चलिए चलते हैं। गेलू का तबीयत खराब था बहुत दिन से, बाहर का खाना नहीं खाए, तो गेलू बोल रहा है कि कुछ भुजिया वगैरह खाएगा। चलिए देखते हैं। फाइनली मैंने कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे जो मेरा दोस्त है उन्होंने मना कर रहा है, वो तो नहीं होगा, यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, तो आरटीओ जाना पड़ेगा। चलते हैं और कल कोशिश करेंगे आरटीओ जाने के लिए। चलिए देखते हैं आरटीओ में क्या हाल है। फाइनली भाभी जी को मेडिसिन मैंने दे दिए, और अभी टाइम हो रहा है 9:30, और भाभी जी मेडिसिन खा लिया है। तो किसका सलाह बना रही, ठीक लग रहा है ना भाभी का तबीयत, अभी ठीक लग रहा है। और भाभी जी अभी रोटी बना रहे हैं, देखिए रोटी सेक रहे हैं। चलिए थोड़ा रोटी और दूध खाते हैं और आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
फाइनली टाइम हो रहा है 10:40, डिनर करते हैं, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। Oh, 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 oh